एपिसोड नंबर 204, 204। भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर भरत जी दल बल समेत चित्रकूट की दिशा में चल पड़े हैं। राह में असंख्य जड़ चेतन जीव जिन्हें पहले श्री राम के दर्शन हुए थे अब भरत का साक्षात्कार पाकर मानो परम पद प्राप्त कर रहे हैं। किंतु भरत का प्रभाव देख देवराज इंद्र ये सोचने लगते हैं कि कहीं भ्रातृप्रेम के वशीभूत श्री राम अयोध्या न लौट जाए और इस तरह बनी बनाई बात बिगड़ न जाए। उनकी चिंता देख देवगुरु बृहस्पति उन्हें सीख देते हैं कि श्री राम की भक्त वत्सलता और उदारता की महिमा को ध्यान में रखकर मन से इस प्रकार की कुटिलता निकाल देनी चाहिए। जो भी श्री राम के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है, और इस बात को दुर्वासा से अधिक और कौन जान सकता है। जाही छाया जलद सुखद बहई बरबात तस मगु भयउ न राम कह जस भा भरत ही जा चेतन मग जीव घने रे जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हे रे ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु यह बड़ी बात भरत कई नाही सुमिरत जिनही राम मन माही बारक राम कहत जग जेउ होत तरन तारन नर तेउ भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता कसन होई मगु मंगल दाता सिद्ध साधु मुनि बर अस कहही भरत ही निरखी हर शुही लहही देखी प्रभाव सुरे सही सोचु जगु भल भले ही पोचु कहूं पोचु गुरसन कहे उकरिय प्रभु सोई राम ही भरत ही भेट न होई। राम संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयो बनी बात बैगरन चाहती
करिय जतनु छलु सोधि। वचन सुनत सुर गुरु मुसुकाने सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया करैत उलटी परै सुर राया। तब किछु कीन राम रुख जानी अब कुचाली करी होई ही हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाही न काऊ। जो अपराधु भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। लोकहुं वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानहि दुर्बासा। भरत सरिस को राम सनेही जगु जप राम राम जप जेहि। मनहु न आनिय अमर पति रघुबर भगत अकाजु। अजसु लोक पर लोक दुख दिन दिन शोक समाजु। सुरेश उपदेशु हमारा राम ही सेवकु परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई सेवक बैर बैरु अधिकाई। समन ही रागन रोषु गहि न पाप कूनु गुण दोषु। करम प्रधान विश्व करी राखा जो जस करई सो तस फलु चाखा। तदपि करही सम विषम बिहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण लेप अमान एक रस राम सगुण वय भगत प्रेम बस। सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी। असजिया जानी तजहु कुटिलाई करहु भरत पद प्रीति सुहाई।